नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गणेश पाठक। आप देख रहे हैं ट्रेड फ्रेश चैनल। ट्रेड फ्रेश चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। ट्रेड फ्रेश चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, उनके लिए विनती है कि वो मेरे चैनल को ये लोगों को देखकर सब्सक्राइब करें। ट्रेड फ्रेश चैनल का नाम है। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल भी सारा मैंने यहाँ दिया है कि ये कॉलिंग के दो नंबर दिए हैं, एक व्हाट्सएप का नंबर दिया है, एक ईमेल का आईडी भी दिया है और मेरे चैनल की यूट्यूब लिंक भी मैंने यहाँ पर दी है। यहाँ जाकर आप कोई भी वीडियो कभी भी देख सकते हैं। रोज की तरह हम निफ्टी की बात करेंगे, तो निफ्टी में क्या आज मिला है और क्या कल हो सकता है ये देखेंगे। तो हमारा जो शुक्रवार का क्लोजिंग था 10452.30 का, उसके अनुसार 469 के ऊपर हमें बाय था और 435 के नीचे सेल था। तो आज निफ्टी खोला 488.89 के पास और बस एक पॉइंट ऊपर गया और वहीं से नीचे आया। तो जो नीचे आया तो फिर नीचे ही आता गया। तो हमारा जो सेल का लेवल था वो परफेक्ट आज 10435 जो था वो मिल गया और यहाँ सेल करके नीचे का मुनाफा हमें मिल गया है। तो हमने करीब करीब 302 तक का लो आज देखा है। तो पूरा का पूरा आज सेल साइड का मार्केट मिला और पूरी सेल साइड में निफ्टी ने अच्छा मुनाफा दिया है। बाय करने का या बाय करके जो ऊपर जाने का कोई मौका आज नहीं था। वैसे तो ग्लोबल संकेत अच्छे थे, मगर ऐसा लगता था कि निफ्टा थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, स्टेबल भी करेगा, हो सकता है बाद में गिरेगा, मगर शुरू के ही 15 मिनट के अंदर उसने गिर गया और यह हमारा सेलिंग का लेवल मिल गया। यहाँ सेल करके जिस जो जो साथियों ने रुके होंगे तो उनके लिए अच्छा मुनाफा आज बना है। तो आज के लिए 10386 का पहला सपोर्ट था और 10320 का दूसरा सपोर्ट था, मगर ये दोनों सपोर्ट आज टूटे हैं और उसके नीचे तक निफ्टी जाकर वापस आया है। कैलकुलेटर ने भी अरेंजमेंट के हिसाब से 10532 का हाई बनेगा और 10353 का लो बनेगा ऐसा दिखाया था, मगर हाई की तरफ आज गया ही नहीं निफ्टी, जहाँ खुला वहीं से नीचे आया। तो लो की तरफ आया तो लो का जो 353 का लो था उससे भी टूटकर 50 पॉइंट और ज्यादा नीचे की तरफ गया। तो कैलकुलेटर का जो लो को उसको काट दिया आज उसने। तो अभी कल के लिए देखेंगे कि कैलकुलेटर का क्या रेंज आ रहा है। तो आज भी फिर रेंज वन दिखा रहा है, तो रेंज वन में 10433 का हाई और 10247 का लो बन सकता है। ये इस डाटा के अनुसार ऐसा दिख रहा है। अभी क्या बनेगा वो तो कल पता चलेगा हमें, मगर हम ये देख सकते हैं। वैसे आज बहुत सारे ग्लोबल मार्केट, अमेरिकन मार्केट, चाइना मार्केट बंद है, तो इस वजह से हमारे लिए कल के लिए कोई बैड न्यूज़ या बैड ये डाटा नहीं रहेगा। फिर भी पता नहीं, हमारे लोकल फैक्टर भी बहुत ही है, बैंकिंग का कुछ ना कुछ तो भी रोज नया निकलते जा रहा है, उस वजह से कल क्या हो सकता है पता नहीं। फिर भी हम लेवल क्या मिलते हैं वो देखेंगे। तो आज का जो क्लोजिंग है उस क्लोजिंग के हिसाब से 10395 के ऊपर बाय या 10361 के नीचे सेल है। बाय का अगर लेवल मिल जाता है और ऊपर की तरफ निफ्टी भागता है तो ये ऊपर की तरफ हमें मुनाफा कमाने का चांस मिल सकता है, या आज की तरह अगर नीचे की तरफ ये आया ऊपर खुलकर तो नीचे का मुनाफा भी हम ले सकते हैं। तो अब किस साइड मूवमेंट कैसे मिलेगी ये तो हमें सुबह ही पता चलेगा। तो कल के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आ रहे हैं, तो 390 का पिवट पॉइंट आ रहा है, 290 का पहला सपोर्ट आ रहा है, 290 बोले तो यहाँ तक पूरा आ रहा है, 10288 जो यहाँ लिखा हुआ है या 10203 का दूसरा सपोर्ट आ रहा है, और अगर पॉजिटिव होता है तो 10477 बोले तो वो भी 80 डिग्री के ऊपर ही पहला सब रेजिस्टेंस आ रहा है, या दूसरा 10576 का आ रहा है।
ये तो सब डाटा के अनुसार जो जो हो सकता है या मिल सकता है ये मैंने आपके सामने रखा है। तो कल कैसा खोलेगा मार्केट, क्या होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, या आज जैसे यूनियन बैंक का बाहर आया, कल और किसी बैंक का आता है क्या, क्या होता है ये पता नहीं, मगर आज नीचे से निफ्टी ने अच्छी रिकवरी दी है। तो हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट का कोई नेगेटिव न्यूज़ ना होने के कारण शायद हो सकता है कल हम ऊपरी तरफ खुलकर ऊपर भी जा सकते हैं। तो देखते हैं कल के लिए। कल के दिन मैंने एक वीडियो डाला था कि SBI में इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि ये कल जो वीडियो डाला था उसमें SBI का जो पैसा बाहर अटका हुआ है वो खुला होने का, या वो जो कर्ज दिया है वो वापस आने का SBI के लिए बहुत अच्छा चांस आया है। तो टाटा स्टील और दूसरे जो बड़ी कंपनियां आई है, भूषण स्टील, मोनेट इस्पात और इलेक्ट्रोकास्ट स्टील, इनको खरीदने जा रही है। ये सारी कंपनियां कर्ज में डूबी हुई है और इनके ऊपर SBI का ही कर्ज है। तो अगर इनका जो बड़े कंपनियां इनको खरीदती है तो इनका जो लोन है वो अच्छी तरह से वापस आ सकता है, और ये सारा पैसा SBI को वापस मिलने से SBI अपना अच्छा ग्रोथ कर सकता है। तो कल ही मैंने ये वीडियो डाला था और ये अच्छा न्यूज़ आज आया है। तो जो लोगों ने आज के लिए SBI में इन्वेस्टमेंट किया होगा छोटा मोटा, और फिर और करना चाहते होंगे, तो थोड़ा और नीचे आने के बाद या जितने भी लो लेवल पर मिलता है खरीद के रखने से उनको अच्छा मुनाफा आगे चलकर मिल सकता है। तो कल ही मैंने ये वीडियो डाला हुआ था, तो जो लोगों ने ये वीडियो देखा नहीं वो अभी भी देख सकते हैं। तो इस तरह से मुझे जो समझता है या जो छोटी मोटी जानकारी मेरे पास होती है मैं आपसे शेयर करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। मेरा एक हाल ही में बना हुआ नया एक शीट है जिसमें कि बाय सेल के सिग्नल मिलते हैं, ये भी मैं रोज आपके सामने रखता हूँ ताकि जिनको और भी इसमें इसका मौके का फायदा उठाना या लेना है वो सारे लोगों को जानकारी मिले, इसलिए मैं रोज बताता हूँ। तो देखिए जिनमें बाय बनता है तो पहले अलर्ट आ जाता है रेडी टू बाय, और जब बाय का सिग्नल बन जाता है तो यहाँ बाय या सेल का आपको सिग्नल आ जाता है वहाँ पर। तो जैसे ये लेवल क्रॉस हो जाते हैं तो सिर्फ सिग्नल आ जाते हैं, और लेवल के पास आते ही अलर्ट भी आ जाता है। तो हम ये आज इनमें से कोई दो स्टॉक बाई सेल साइड और सेल साइड वाले कोई दो स्टॉक अभी हम देखेंगे। ओपन इज इक्वल टू हाई और ये ओपन लो इज इक्वल टू लो बनने वाले भी जो स्टॉक्स होते हैं उनमें भी अच्छा खरीद या बिक्री का मौका हमें मिलता है। तो ये देखिए BEML, ये जो इसको 1297 पे सेल था और कितना नीचे गया है देखिए। तो ये खोला कहाँ था, 1313 पर खोला था, 1331 का है बनाकर, यानी इसने बाई साइड का भी मौका दिया और सेल साइड का भी मौका दिया। 1309 पे इसको बाई था तो वो बाई में भी गया और फिर नीचे आकर सेल में भी आ गया। तो इस तरह से दोनों तरफ का इसने मौका दिया है। तो ऐसे स्टॉक देखो ढूंढने पड़ते हैं कि कौन सा स्टॉक है किधर जा रहा है, उसको ध्यान रखकर हम काम कर सकते हैं। ये देखिए ये कौन सा स्टॉक है, ये खुला 103 पर, नहीं सॉरी 102.95 पे, और नहीं इसका डाटा कुछ नहीं दिखा रहा है, अलग से 1 मिनट। ये दूसरा स्टॉक देखते हैं हम फोर्टिस का, आज गूगल की तरफ से डाटा में कोई दिक्कत थी इसलिए पूरा डाटा सच में नहीं आया है। तो ये देखिए इसको 145.40 पर बाई था, तो खुला ही 145 के आसपास, तो खुलते ही उसने ऊपर गया, तो ऊपर कितना बना, 151 का हाई बना है, और सेल का 141 का लेवल था वो नहीं आया है। तो फोर्टिस में आज अच्छा बाइंग दिख रहा है, बाकी बहुत सारे स्टॉक तो नीचे गिरे हुए हमें दिख रहे हैं। सिंडिकेट बैंक देखो क्या हालत हुआ है उसका। तो इस तरह से ये आपके सामने मैं रखता हूँ, जिन जिन लोगों ने लिया है उनको तो इसका फायदा हो रहा है, जो नहीं ले पाए वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, सारा कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने आपको दिया है।
और ये सब जो सीट है वो बाईसेल सिग्नल वाला, केवल आपके लिए 311 रुपये प्रति महीना के ऊपर मैं आपको देता हूँ। इतना एक्सेस चार्ज उसका रखा हुआ है कि आपकी सहायता हो, आप इंडिपेंडेंट काम कर सके, इसलिए ये मेरी तरफ से कोशिश रहती है। तो ये इसका केवल एक रोज के लिए 1 कप चाय का कीमत के बराबर है, कुछ भी ज़्यादा इसका खर्च आपको नहीं है। तो यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, इसलिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करूँगा। थैंक यू।